एम्बियंस वगैरह अच्छी थी, ओपन एयर में था तो ज़्यादा मज़ा आया। माशाल्लाह से बुफे सिस्टम बहुत अच्छा लगा है इन लोगों ने। हर चीज़ वक्त पर रिफ़िल की जा रही थी, किसी चीज़ में ऐसा नहीं था कि कोई कमी हो। और टेस्ट की जहाँ तक बात थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 out of 10। पैरी बाइट भी देखने आप, पैरी बाइट के बाद ये दाल मखनी है। दाल मखनी है, दाल मखनी के बाद ये तुर्किश कबाब है सर। तुर्किश कबाब, नेक्स्ट तुर्किश कबाब। ये विंग्स है सर, ये टेरागोन स्टेक है सर, चिकन में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या बोला? पैरागोन, टेरागोन, टेरागोन स्नैक्स। टेरागोन स्नैक्स के बाद ये पेनी पास्ता है सर, अल्फ्रेडो पास्ता। ठीक है, अल्फ्रेडो पेनी पास्ता। रहीम, देखती आंखों और सुनते कानों को रमज़ान अस्सलाम है, रमज़ान अस्सलाम। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि भाई ये रमज़ानों के किंग थे, लेजेंड थे, तो उनको ज़रूर हम याद रखेंगे। और उसके साथ आज मैं आपको कहाँ पे लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हैं, इब्ने बतूता। और इब्ने बतूता में जो है आज मैं आपको यहाँ पे खिला रहा हूँ बुफे। और बुफे यहाँ पे जो लगा हुआ है, क्या रेट चल रहे हैं, कितने का एक पर हेड पड़ रहा है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। कितने यहाँ पे फूड आइटम्स हैं, ये सब भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, क्योंकि यहाँ का एम्बियंस बड़ा अच्छा है। इस हवाले से आपको सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। भाई मैं आपको लेके आया हूँ खाने की तरफ। अब खाने में तमाम देखते हैं क्या क्या हुआ है। भाई जरा खोलिएगा ढक्कन। चिकन बिरयानी, ये आ गई कौमी बिरयानी, चिकन बिरयानी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है भाई? चिकन कौरमा हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है आलू की कतलियाँ, आलू की कतलियाँ जिसको बोलते हैं, आलू की भाजी हो गई है। यहाँ पे मैं खुद भी क्लियर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरा भाई अभी नया नया सीख रहा है, सीख जाएगा। ये क्या है भाई? चना, चना, अरे चना, ये वाला चना, अच्छा ये आ गया भाई, छोला, जो छोले होते हैं चना वो आ गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये क्या है? ये दाल मखनी है। दाल मखनी है, दाल मखनी के बाद ये तुर्किश कबाब है सर। तुर्किश कबाब, नेक्स्ट तुर्किश कबाब। ये विंग्स है सर। किसके विंग्स? ग्रिल विंग्स है, चिकन के है ना? जी चिकन के, और तो किसी के होंगे नहीं। अच्छा ये ये टेरागोन स्टेक है सर, चिकन में, बना हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या बोला? पैरागोन, टेरागोन, टेरागोन, टेरागोन स्नैक्स। टेरागोन स्नैक्स के बाद ये पेनी पास्ता है सर, अल्फ्रेडो पास्ता। ठीक है, अल्फ्रेडो पेनी पास्ता, लोग सेलेंडी समझ जाओगे उसको। अच्छा आगे आ जाते हैं, ये क्या है भाई? चाउमीन, मंचूरियन है सर जी। मंचूरियन के बाद आगे बढ़ते हैं, अब आएगा स्पैगेटी हो गया ऑब्वियसली, या चाउमीन हो गया। चाउमीन है सर जी, बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, अलग ही क्या जी, वेजिटेबल चाउमीन है सर ये। उसके बाद कौन से राइस है? चाइनीज़ राइस है सर जी, मंचूरियन के साथ जी, चाइनीज़ राइस, वेजिटेबल चाइनीज़ राइस आ गए हैं। ये आ गया पिंक शरबत, मतलब जामे शीरी या रूहफ़ज़ा। उसके बाद आइए क्या क्या, मैं आपको दिखाना शुरू कर दूँ। दिखाएँ भाई, ये आ गए पापड़, पापड़ के बाद क्या चीज़ें भाई? कॉर्न सूप आ गया भाई, कॉर्न सूप के साथ ये देख लें, सारे सॉसेस वगैरह सब कुछ रेडी है। फिर कौन सा रोल है? चिकन रोल, चिकन रोल, चिकन रोल के बाद क्लब सैंडविच है, क्लब सैंडविच आ गए। क्लब सैंडविच के बाद आगे बढ़ जाते हैं, और ये वेजिटेबल रोल है। कौन सा वाला ये? वेजिटेबल, वेजिटेबल। अच्छा जी, आपको समझ में आ गई, मुझे तो आ ही जाएगा। अच्छा जी, ये कौन सा है? कौन है? समोसे, चिकन समोसे हैं, वन बाइट समोसा आ गया है। उसके बाद ये क्या है? और ये मिनी समोसे, मिनी समोसे हैं। अच्छा, ये समोसों का शेप चेंज हो गया, आप देख रहे हैं, आप न्यू आ गया। पैरी बाइट, पैरी बाइट भाई, पैरी बाइट भी देख लें आप। पैरी बाइट के बाद सॉसेज भी हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है भाई? ये आलू के पकौड़े, आलू के पकौड़े, आलू के पकौड़ों के बाद, और ये वेजिटेबल पकौड़े। इसमें ये तो फिर नेचुरली चीज़ है, ये तो नेचुरल बोला करें इसको, तो रमज़ान की फ्लेवर प्राइज़ आपके पास। फिर आ गई है तो भाई सुन्नत आ गई, उसके बाद सुन्नत रमज़ान, सुन्नत रसूल कह लीजिए।
स्टेज तो सेगमेंट शुरुआत हो चुकी है, वो है करता धरता। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के मैनेजर, जो कि ऑल ओवर ये सारी जो मैनेजमेंट आप देख रहे हैं ये सब इन्होंने संभाली है, माशाल्लाह से बड़े हैंडसम से बंदे और आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त। क्या नाम है आपका? लाल। लाल, ये बताएं कि यार सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सर्विसेज हो रही हैं कैसी चल रही हैं ओवरऑल, थोड़ा सा मुख्तसर लोग बताइए कि बेहतरीन सर्विस चल रही है, कुछ है अभी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन? कमरान भाई, हमारे पास दो तरीके के क्राइटेरिया फॉलो होते हैं। जैसे हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं अलाकार्ट सर्विस और एक देते हैं बुफे सर्विस। तो बुफे सर्विस आपको पता है रमज़ान में ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स वाले ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो उसका क्राइटेरिया हमारे पास ऐसे फॉलो होता है कि रूफ टॉप की सीटिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, इंडोर सीटिंग अवेलेबल है, आउटडोर सीटिंग अवेलेबल है। तो इसी तरीके से रूफ टॉप पर हम जैसे जो कस्टमर अपने मेन्यू के हिसाब से ऑर्डरिंग कर सकता है, जिनको बुफे लेना है, जिनको बुफे अवेल करना है, वो हमारे पास नीचे सीटिंग अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं कि कस्टमर के ऊपर छोड़ देते हैं कि सर आप बुफे लेना चाह रहे हैं या अलाकार्ट लेना चाह रहे हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बस हमारा जो पर हेड चल रहा है वो चल रहा है अभी इस वक्त 1599। ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है बेसिकली। ये हमारा जो एक्चुअल प्राइस है इसके 1900 है, लेकिन हमने लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए आफ्टर डिस्काउंट इसको अभी 1600 करा हुआ है। और जो GST है हमारा 13% टैक्स इसमें इन्वॉल्व इंक्लूड होगा, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है ये, वो ओवरऑल बिल पे ऐड होगा, उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। इसमें जो अमाउंट आ रही है कोई भी आ रहा है तो वो 1600 ही पे कर रहा है, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं? उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इसके क्या चार्जेस हैं? किट्स के 1400। टाइमिंग के हमारे स्लॉट्स का कोई ऐसा वो नहीं है कि कस्टमर कोई लिमिटेड टाइम के लिए बैठ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से कस्टमर 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, लेकिन जो बुफेट के टाइमिंग्स है वो है रोज़े अफ्तार से उसके बाद 9:30 तक 8:30 तक कस्टमर बैठ सकता है। 9:30 8:30 तक जो है कस्टमर यहाँ भी जो भी चीज़ है वो अवेल कर सकता है, ऐसा ही है? 8:30 तक हमारा बुफेट ऑन रहता है, 9 PM तक भी हम ऑन रखते हैं। लेकिन ये तो चीज़ है मेरे ख्याल से, आई थिंक 9:30 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैक्सिमम। आई थिंक कोई अगर जा रहा है 8:30, आई थिंक इट्स इनफ है, उसके बाद फिर ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है भाई और लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं लोग, सहरी का भी अहतमाम नहीं है, सिर्फ अभी इफ्तार का ही चल रहा है, इफ्तार प्लस डिनर बुक है। तो मैम अभी सहरी हमने स्टार्ट नहीं करी है, सहरी हम करेंगे 15 या 16 रोज़े के बाद से। तो माशाल्लाह से ये है कि हमारा पिछले साल भी सहरी बुफे लगा था तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। अभी भी हमारे पास क्वेरीज आती हैं, कस्टमर्स बोलते हैं कि सहरी बुफे स्टार्ट करें, लेकिन हम 15-16 रमज़ान के बाद ही सहरी बुफे की तरफ जाएंगे। कितनी डिशेस होंगी ओवरऑल इस बुफे में जो लगी हुई है? ये इफ्तार बुफे की बात करें, इफ्तार बुफे में अभी हमारे पास 80 डिशेज़ हैं, 80 प्लस, जिसमें हमारे पास इफ्तार के तकरीबन 17-18 आइटम्स हैं और मेन कोर्स के तकरीबन 15-16 आइटम्स हैं। इसके अलावा फिर और भी बहुत चीज़ें हैं, डिज़र्ट बार हमारा बहुत हैवी है, चाट सेक्शन है, और उसके अलावा गोलगप्पे की वैराइटीज़ हैं, सैलड बार है, तो मल्टीपल ऑप्शंस है। किड्स का भी ऑप्शंस रखे हुए हैं, एडल्ट्स के भी ऑप्शन रखे हुए हैं, अनलिमिटेड चाय हम दे रहे हैं, अनलिमिटेड ड्रिंक दे रहे हैं रूह अफ़ज़ा। देखें जो इसकी मेन लोकेशन है वो है KDA चौरंगी, नॉट नाज़ाबाद, KDA चौरंगी है। KDA चौरंगी के सामने बिल्कुल मशहूर हॉस्पिटल है सैफी हॉस्पिटल, उसके सामने सर्विस लेन है। सर्विस लेन के बिल्कुल हैजी सुपर मार्केट के वेरी नेक्स्ट आपको इब्न बतूता रेस्टोरेंट दिख जाएगा, बड़ा सा उड बना हुआ हमारे रेस्टोरेंट के बाद, तो नॉर्मल है कि लोग आइडिया कर लेते हैं कि इब्न बतूता, क्योंकि हमारी थीम भी बेसिकली थोड़ी डिफरेंट है, यूनिक है, थोड़ा हमने अरब स्टाइल के हिसाब से किया हुआ है, तो इसकी वजह से कस्टमर आइडेंटिफाई कर लेता है रेस्टोरेंट जल्दी। कमरान भाई, रिजर्वेशन प्रोसीजर ये है कि आप ऑन कॉल की रिजर्वेशन ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, उसका नंबर ये है कि 0330-300-9944, ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये 24 आवर्स इसमें जो है वो कॉल आप कर सकते हैं, कभी भी कोई इशू नहीं है। कॉल सेंटर में हमारे पास शाहजेब आपको गाइड कर सकते हैं, एक होते हैं वो आपको सारी इंक्वायरीज क्वेरीज जो भी, मतलब ये आपका नंबर नहीं है, ये ऑफिशियल नंबर है बेसिकली हमारा, लड़कियों का दिल टूट गया होगा सुनते ही नहीं नहीं ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, तो कोई भी क्वेरीज अगर कुछ भी चाहिए तो आप थ्रू इस नंबर से ले सकते हैं। आइए मज़ीद लोगों से ही बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं इस बारे में आपसे सुनाता हूँ। गाड़ी में घूम रही है, अपनी मस्त लाइफ चल रही है, उनके किसी को नहीं देखना, कोई टेंशन नहीं, फिक्र से आज़ादी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ये बताइए कि कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल, बताइएगा यहाँ का खाना, बताइएगा यहाँ बच्चों की एंटरटेनमेंट, बताइएगा कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, बुफे सिस्टम बहुत अच्छा लगा है इन लोगों ने, हर चीज़ वक्त पर रिफ़िल की जा रही थी, किसी चीज़ में ऐसा नहीं था कि कोई कमी हो, और टेस्ट की जहाँ तक बात थी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जिसमें से कितने नंबर देने चाहेंगे आप? 10 out of 10। 10 out of 10 भाई, हमेशा यादगार देंगे देख के वीडियो अपनी। अच्छा ये बताएं भाई कैसा लगा आपको यहाँ पे, ओवरऑल सब बताइएगा।
कि यहाँ का माहौल कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छी थी, बस स्टार्ट पे थोड़ा सा था जो रोजे के टाइम पे आगे फर्स्ट आप लोगों का डे था आज, तो इस तरह से थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, खाना भी अच्छा था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो एक रश आ गया एकदम से, जो मैं देख रहा था, भाई आप लोग भी देख रहे होंगे कितना रश एकदम से आ गया, तो सारा का सारा खत्म हो गया, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी रिफिल किया गया, ऐसा ही कुछ था? बिल्कुल ऐसा ही था बिल्कुल, और थोड़ा टाइम लग गया था रिफिल में, होता है भाई टाइम लगता है, सब्र वो नहीं था सिनेरियो के जिसमें अप एंड डाउन हो, लेकिन अलग सारी चीज़ें अच्छी थी। अलग खाना कैसा था ये बताएं? खाना अच्छा था, आई वुड रेट 10 out of 9। और क्या चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी लगी? खाने का टेस्ट वगैरह हर चीज़ बिल्कुल ही सही थी, और मैं दूंगा 10 out of 9। 10 out of 9 भाई नंबर दे रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा मैनेजमेंट का इशू हुआ था, स्टार्टिंग में इनको जो है समोसे नहीं मिले इसलिए नाराज़ हो गए, तीन नंबर कट कर दिया इसलिए। जी आप क्या कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 out of 9। 10 out of 9 सब अच्छा था, परफेक्ट था, मज़ा आया खाने में, इन्जॉयमेंट हो गई, गुड हो गया। आप 10 out of 9 भाई, यहाँ पे तो आप माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बच्चों की इन्जॉयमेंट? मैंने तो नेट पे देखा कल और डायरेक्ट मैंने बुकिंग कर दी, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, और जो बच्चों के हवाले से डिशेस के हवाले से हर चीज़ वैरायटी के हवाले से बेहतरीन है। कितने नंबर देने चाहेंगे 10 में से आप? 10 out of 10 जी, मेरे हिसाब से तो 90+ नंबर होने चाहिए, खाना भी बहुत अच्छा था, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था, और माहौल जैसा घर का माहौल होना चाहिए, फैमिली वाला माहौल लग रहा था। अब आप ये बताइए कि जैसे घर में अहतमाम हो रहे होते हैं, तो क्या वो अहतमाम, यानी वहाँ पे घर में आप सहरी बनाती हैं, आप सारी बनाती हैं, तो इस तरह के अहतमाम घर में हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे आके आपने खाया, क्या क्या फ़र्क क्या था थोड़ा? फ़र्क मतलब आइटम ज़्यादा थे, हम ज़ाहिर रोज़ाना इतना ज़्यादा अहतमाम होता है लेकिन इस हद तक नहीं होता, हाइजेनिक के हिसाब से घर का ज़्यादा अच्छा है। क्यों फिर बाहर क्यों लेके आए आप घर में? बस थोड़ा सा बच्चों को इंजॉय भी कराना था। भाई इंजॉयमेंट करानी थी इसलिए लेके आए, क्योंकि इधर स्पेस का थोड़ा सा इशू है, स्पेस थोड़ी सी कम है रेस्टोरेंट की, बाकी फूड वगैरह का टेस्ट वगैरह बहुत डिलीशियस था, और इन्वायरमेंट वगैरह भी बहुत फ्रेंडली था, और क्वालिटी बहुत अच्छी थी खाने की। यानी आपने दे दिए 100 में से 90, यानी 10 में से 9 नंबर इनकी तरफ से भी आ गए, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? अगर फूड क्वालिटी के हिसाब से पूछा जाए तो 100 में से 90 देना चाहूँगी, बाकी एम्बियंस वगैरह अच्छी थी, ओपन एयर में था तो ज़्यादा मज़ा आया, लाइक ड्यूरिंग अफ्तार बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो रहा था, तो उस पर मैं कहना चाहूँगी। सर्विस का थोड़ा सा इशू आप कह रही हो? थोड़ा इशू आज हुआ था, सेकंड एक्सपीरियंस था, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें अच्छा लगा जब सेकंड टाइम यहाँ पे विजिट करा है। 10 में से यानी कितने नंबर देने चाहिए? 10 out of 10। आप देख रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से आपको कुछ इंस्टाग्रामर यहाँ पे दिख रही है और बहुत प्यारी सब क्यूट सी हैं, सारे के सारे बैठे हैं पूरे, ये तीनों लोग खाए पिया बहुत है, उसके बाद इनसे फीडबैक लेते हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पे? मुझे तो बहुत मज़ा आया, सब कुछ परफेक्ट था, बस सर्विंग जो थी ना बहुत स्लो थी उनकी, मतलब सब अच्छा था, फूड भी काफ़ी अच्छा था, रश भी थी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी सर्विंग स्लो लगी। नहीं दरअसल यहाँ मैं रेस्टोरेंट वालों को ब्लेम नहीं करूँगी, मैं ऑडियंस को ही करूँगी, जो पब्लिक आ रही है वो बुफे को देख के ना थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाती है, वो उठाते जा रहे थे, इवन वो वेस्ट भी कर रहे थे, तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ रेस्टोरेंट में इनका फूड जो था वो बहुत अच्छा था, इनकी सर्विंग भी अच्छी थी, हाँ थोड़ी सी कहीं मुझे नज़र आई कमी, अगर वो उसे थोड़ा सा परफेक्ट कर देना तो ये बेस्ट जगह है फैमिलीज़ के लिए। जिस टाइम आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, खाया पिया भी ज़बरदस्त तरीके से अच्छा खाया हमने, और जो है यहाँ की बस सर्विस की थोड़ा मसला है, सर्विस जो है वो काफ़ी स्लो है और एकदम से लोग आके टूट पड़े खाने की तरफ। ये लोगों का काम है, आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में हर जगह ये हो रहा होता है, जहाँ बुफे देखते हैं, जहाँ डिस्काउंट देख रहे होते हैं चले जाते हैं, तो ये वैसे यहाँ का रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे आगे तो मुझे नज़र आई थी आपको। नहीं वैसे मैं इतना नहीं खाती हूँ जितना था, खाती जितना मैं देखती हूँ। तो वीडियोस कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइएगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, और इसी के साथ क्योंकि अभी तरावी का टाइम शुरुआत हो चुकी है, लोग यहाँ पे तरावी पढ़ रहे हैं, इस अपने बन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफिज़।